हेलो एवरीवन, सत श्री अकाल जी। पंजाबी किचन में आपका स्वागत है। आज हम लोग बना रहे हैं लौकी के कोफ्ते। हम अपने घर हमारे घर में हम सब्जी खाने वाले 3 जने हैं, इसलिए मैं इतनी छोटे वाली लौकी ले रही हूँ। आपके घर में ज़्यादा मेंबर होंगे तो आप बड़ी ले सकते हो। लौकी के कोफ्ते अलग अलग तरह से बनाते हैं लोग। कई लोग आलू और कोफ्तों की सब्जी मिक्स करके बनाते हैं, कई ऐसे ही टमाटर की प्यूरी बना के उसमें कोफ्ते डाल देते हैं। लेकिन मैं आज आपको बताऊंगी कि हमारे पंजाबी स्टाइल में कोफ्तों की सब्जी कैसे बनती है। ये मैंने घिया लिया है, इसको मैंने छील लिया है चाकू से, और इसके अलावा ये मैंने 1 कटोरी बेसन लिया है। इसमें से मैं दिखाऊंगी आपको कि पूरा डलता है कि आधा डलता है, वो आपके सामने ही डालूंगी। ये 3 टमाटर लिए हैं मैंने, 2 बड़े प्याज लिए हैं, 3 हरी मिर्ची ली है, और ये 7 लहसुन की तुरी है, और ये अदरक है। मेरे लौकी के कोफ्तों में यही ट्विस्ट है कि हम लोग अपने कोफ्तों में प्याज डालते हैं, तो जो आम लोग बनाते हैं वो सिर्फ टमाटर की प्यूरी डाल के ही बनाते हैं, लेकिन हम लोग जो पंजाबी लोग होते हैं वो प्याज के बिना कोई भी सब्जी नहीं बनाते, इसलिए हम प्याज डाल के बनाते हैं। ये देखिए, इतना सा मैंने, ये 1 छोटा चम्मच भुना हुआ जीरा है, ये 2 तेज़पत्ता, और ये 1 दालचीनी, और इसमें 3 छोटी इलायची है और 4 काली मिर्च है, और ये 1 बड़ा चम्मच मैंने कसूरी मेथी ली है, और 1 बड़ा चम्मच मैंने जीरा लिया है, और ये गार्निश के लिए मैंने हरा धनिया लिया। अब मैं क्या करती हूँ, पहले लौकी को ग्रेटर के साथ ग्रेट कर लूँगी। आपको इसके बीच बीच में नहीं डालने हैं, सिर्फ कि इसकी बाहर वाली जो स्किन है वही ग्रेट करनी है। ये देखिए, देखिए मैंने लौकी को ग्रेट कर लिया है। अब मैं इसको इस बड़े बाउल में डाल दूँगी। अगर कोई इसमें बड़ा पीस रह जाता है तो आप उसको बाहर निकाल दीजिए। ये देखिए, अब मेरी ये लौकी इतनी सी है, इसमें 1 कटोरी बेसन नहीं डलेगा, इसमें से आधा डलेगा। ये देखिए, मैंने जितनी 1 कटोरी ली थी उसमें से आधा ही बेसन इसमें डाला है। ये देखिए, आधा छोड़ दिया है। अब मैं इसमें ये 1/2 चम्मच नमक और ये 1/4 हल्दी डाल रही हूँ, और कुछ भी नहीं डाला मैंने इसमें। अभी मैं इसको एक साइड कर दूंगी। मैंने फ्राई पैन में ऑयल गर्म होने रख दिया है। अब मैं पहले सबसे पहले इसकी जो प्यूरी बनानी है कोफ्तों की, उसको प्याज को काट के इस मिक्सी जार में ब्लेंड कर दूंगी। ये देखिए, ऐसे ही प्याज, अदरक, मिर्ची और लहसुन आपको इन सब में इस मिक्सी जार में ब्लेंड करके एक फाइन सा पेस्ट बना लेना है। ये देखिए, मैंने उन सभी चीज़ों का ये फाइन पेस्ट बना लिया है। इसमें मैंने 3 टमाटरों का पेस्ट बना लिया है अच्छे से। अब हम लोग अपने कोफ्ते बनाने शुरू करते हैं। मैं अपना गैस का फ्लेम मीडियम कर दूंगी, ऑयल हमारा गर्म है। सबसे पहले मैं क्या करूंगी, ये देखिए, ये लौकी में ऐसे इसको मिला के बेसन इसमें ऐड कर दूंगी। ये देखिए, इसको ऐसे कर करके आपको मिलाना है। इसमें पानी नहीं डालना, आपको बिल्कुल भी पानी नहीं डालना। ये देखिए, मैंने बिल्कुल भी पानी नहीं डाला क्योंकि लौकी में पानी होता है। लौकी को ग्रेट करने से पहले ही मैंने धो लिया था, बाद में नहीं धोया है। बाद में धोने से फिर उसमें पानी रह जाता है। ये देखिए, आपको भी इसके ऐसा ही, ये देखिए, ऐसा होना चाहिए। इससे पतला आपका पेस्ट नहीं होना चाहिए, नहीं तो जो कोफ्ते हैं वो अच्छे नहीं बनते हैं। आपको इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं डालना है। ये देखिए, ये हमारा कोफ्तों का जो पेस्ट है वो बन के रेडी है। अब हम कोफ्ते बनाने शुरू करते हैं। तो देखिए, अब हम इसके कोफ्ते बनाते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पानी में थोड़ा सा पानी लेके उसमें फिंगर टच डिप करनी है। उसके बाद आपको यहाँ से राउंड राउंड घुमाते हुए, ये देखिए, ऐसे कोफ्ते उठाने हैं इसमें से, और ये ऐसे डालते जाना। ज़्यादा बड़े नहीं बनाने और ज़्यादा छोटे भी नहीं बनाने, मीडियम साइज के रखने हैं। ये देखिए, हाँ जी, ये देखिए, आप देख सकते हैं हमारे कोफ्ते एक साइड से हो गए थे, हमने दूसरी साइड उसको पलटी कर दिया है। ये देखिए, दूसरी साइड से भी हो गए हैं। अब मैं इनको बाहर निकाल दूंगी। ये देखिए, आप देख सकते हो इनका कलर। ये देखिए, मैंने पूरा ऑयल बीच में निकाल के इनको ऐसे प्लेट में डाल दिया है ऐसे ही। ये देखिए, अब मैं दूसरे कोफ्ते जो बाकी रह गए हैं उन्हें बनाऊंगी ऐसे ही। देखिए, हमारे दूसरे कोफ्ते भी बनके रेडी हो रहे हैं। एक तरफ से पक चुके हैं, मैंने दूसरी साइड इनको पलटी दे दी है।
ये देखिए आप इसे हल्का हल्का ऐसे दबा भी सकते हो। आपको फुल आंच नहीं करना, मीडियम आंच पे करना है, क्योंकि अगर हम फुल आंच पे कर देते हैं तो जो कोफ्ते हैं वो बाहर से तो पक जाते हैं लेकिन बीच से नहीं पकते हैं, बीच से वो कच्चे रह जाते हैं, इसलिए हमें इन्हें मीडियम आंच पे ही पकाना है। ये देखिए ये पक चुके हैं आप देख सकते हो, और मैं इन्हें भी ऐसे ही बाहर निकाल दूँगी। ये देखिए इसका सारा ऑयल मैं इसके बीच में ऐसे करके बीच में ही रखूँगी। अब जो इसका एक्स्ट्रा ऑयल है वो कड़छी से मैं बाहर निकाल दूंगी, क्योंकि मैं इसे फर्स्ट टाइम में सब्जी बनाने वाली हूँ। ये देखिए इसका एक्स्ट्रा ऑयल मैं इस कड़छी की मदद से बाहर निकाल दूंगी। ये देखिए मैंने एक्स्ट्रा ऑयल निकाल दिया है, गैस का फ्लेम मैं स्लो कर दूंगी। ये एक वाली कड़छी मैंने बीच में रखा है, इतना ही ऑयल है, इससे ज़्यादा नहीं है। अब मैं इसमें ये जीरा डाल दूंगी और ये जो खड़े मसाले लिए हैं मैंने सारे वो डाल दूंगी। ये देखिए और इसी के साथ ही मैं जो ये पेस्ट बनाया है, अदरक लहसुन प्याज और मिर्ची का, वो इसमें डाल दूँगी और दो तीन मिनट के लिए इसको ऐसे ही फ्राई करूँगी। ये देखिए हमारे मसाले ने ऑयल छोड़ दिया है, इसका मतलब ये है कि अब ये पक चुका है। अब मैं इसमें ये टमाटर की प्यूरी डाल दूँगी जो मैंने बनाई है। और इसी के साथ ही ये कसूरी मेथी जो मैंने रखी है वो डाल दूंगी और इन दोनों को अच्छी तरह मैश कर दूंगी। और इन्हीं के साथ मैं इसमें एक और एक चम्मच, ये दो चम्मच अमूल क्रीम डाल रही हूँ। अगर आपके पास अमूल क्रीम नहीं है तो आप घर की जो दूध से उतारते हैं उसकी फ्रेश क्रीम होती है वो भी इसमें डाल सकते हैं। अब मैं इसको ऐसे ही 3-4 मिनट के लिए उबालूँ। ये देखिए हमारी प्यूरी है जो पक चुकी है, आप देख सकते हो इसका कलर देख सकते हो, और इसका टेस्ट इतना अच्छा आ रहा है, इसकी जो खुशबू है वो बहुत ही अच्छी आ रही है सब मसालों की। अब मैं इसमें, अब मैंने आधा चम्मच उसमें डाल दिया था, अब मैं इसमें ये देखिए एक और ये आधा नमक और आधा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच ही मैं धनिया पाउडर डाल रही हूँ, और मैं इतनी 1/4, ये देखिए पहले क्योंकि मैंने 3 हरी मिर्ची इसीलिए डाली थी कि मैं ये रेड वाली इसमें डालने वाली थी कलर के लिए, ये देखिए मैंने उसमें से भी रख लिया। और इतना ही ये देखिए 1 चम्मच मैं हल्दी का डाल रही हूँ इसके बीच में, और मैं इन सब चीज़ों को मिक्स कर दूँगी। और इनके साथ ही ये भुना हुआ जीरा है वो भी डाल रही हूँ मैं। अब मैं इनको अच्छी तरह मसालों को इस पेस्ट में मिक्स कर दूँगी और सिर्फ 2 मिनट के लिए पकाऊँगी ताकि जो मसाले हैं वो अच्छी तरह पक जाए। ये देखते हैं, देखें हमारे मसाले हैं जो अच्छी तरह पक चुके हैं। अब मैं इनको अपने अकॉर्डिंग जितना मुझे चाहिए इसकी ग्रेवी बनाऊंगी। ये देखिए मैंने 1 गिलास पानी इसमें ऐड कर दिया है, ये देखिए ऐसे। ये इसकी ग्रेवी ना बहुत ज़्यादा पतली होनी चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ी होनी चाहिए, क्योंकि ये खाने में तभी टेस्टी लगता है जब इसकी प्योरी भी उसी हिसाब से हो। ये देखिए अब मैं इसमें आधा, ये देखिए आधा गिलास और डाल दूँगी। ये देखिए ये पूरा आधा हो गया है, मैं इतना ही पानी डालूँगी। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन मैं कोफ्तों की जो प्योरी है वो इतनी ही बनाती हूँ। अब मैं इसको उबाल आने के लिए ऐसे ही छोड़ देती हूँ। ये देखिए हमारी जो ग्रेवी है उसे उबाल आते हुए 5 मिनट हो चुके हैं, अब मैं इसमें ये कोफ्ते डाल दूँगी। अब मैं 5 मिनट के लिए और इसको पकाऊंगी। ये देखिए हमारी सब्जी को पकते हुए 5 मिनट हो गए हैं, अब मैं गैस का जो फ्लेम है वो बंद कर दूँगी। ये देखिए इसमें अच्छी तरह उबाल आया हुआ है, ये मेरे कोफ्तों को जो अच्छी बहुत अच्छी तरह पक चुके हैं, सब्जी का जो प्यूरी का टेस्ट है वो इसमें बहुत अच्छी तरह जा चुका है। अब मैं इसको आपको इसमें डाल के दिखाती हूँ। ये देखिए हमारे कोफ्ते हैं जो रेडी हैं, अब मैं इसको आपको गार्निश करके दिखाती हूँ। ये मैंने, ये देखिए ये अमूल क्रीम इस पर डाल दी है, ये
देखिए, आपको जैसी अच्छी लगती है आप वैसे डाल सकते हैं, लेकिन मेरे बच्चे ऐसे खाते हैं इसलिए मैं ऐसे ही मक्खन की तरह उनके उसमें डालती हूँ। ये देखिए, अब मैं इस पर ये हरा धनिया, ये देखिए हमारी जो कोफ्ता प्यूरी करी है वो बनके रेडी है। आप भी अपने घर में ऐसे ही बनाइए और अपने बच्चों को खिलाइए। अगर आपको मेरी ये कोफ्ते की प्यूरी की सब्जी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे पंजाबी किचन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक एंड शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू।